हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे सीड्स के बारे में। ऑल राइट, अपन ने जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में देख लिया है। वी हैव सीन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन मोनोकोट्स डायकोट्स। ऑल राइट, दोनों के अंदर अपन ने जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देख लिए हैं। अपन को ये भी पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑब्वियसली एम्ब्रियो फॉर्म होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। इनसाइड द सीड द एम्ब्रियो इज फाउंड दैट डेवलप्स अ न्यू प्लांट, जो कि एक नए प्लांट को फॉर्म करता है। सो टुडे वील टॉक अबाउट सीड। किसके बारे में बात करेंगे अपन? सीड के बारे में बात करेंगे। सीड जो है बेसिकली ये जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, उस एम्ब्रियो से ही जो है सीड का डेवलपमेंट होता है। दैट सीड फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी। इसके अंदर होता है, ये ओवरी के अंदर होता है, राइट। एंड बेसिकली जो सीड की स्टडी है, दैट स्टडी इज नोन एज स्पर्मोलॉजी। सीड की स्टडी को जो है स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। ऑलराइट, सीड जो है बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट्स से जो है मिलकर बना हुआ होता है। इफ वी टॉक अबाउट जस्ट लाइक सपोज दैट आई एम गोइंग ड्रॉ अ सीड लाइक दिस इज, राइट। ये जो है सीड है। सीड के अंदर इफ वी टॉक अबाउट दिस होल स्ट्रक्चर, दैट होल स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो है। ये दोनों क्या है? कॉटिलेडन्स है, कॉटिलेडन्स। एंड जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, राइट, दैट इज सीड कोट, दैट इज सीड कोट। सो बेसिकली सीड के तीन पार्ट्स होते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, दैट आउटर कवरिंग इज नोन एज सीड कोट। राइट, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स कैन बी वन और इट कैन बी टू। ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। अगर कॉटिलेडन्स दो पाए जाते हैं, देन द सीड विल बी डायकोट। तब तो सीड क्या होगा? डायकोट होगा। अगर कॉटिलेडन वन है, देन द सीड विल बी मोनोकोट। तब सीड क्या होगा? मोनोकोट होगा, राइट। दैट्स ऑल। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज द कवरिंग, दैट इज सीड कोट, दैट सराउंड्स होल सीड। और कहीं ना कहीं जो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, और जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, सराउंडिंग के अंदर, जो भी ऐसा मीडियम है जिसके अंदर सीड जो है सूट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे जो है प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। कॉटिलेडन का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, न्यूरिशमेंट। ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन द सीड इज डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स। नंबर वन इज डायकोट सीड एंड नंबर सेकेंड इज मोनोकोट सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डायकोट सीड।